नमस्कार, मेरा नाम अर्चना सिंह है। मेरी शैक्षिक योग्यता एमए बीएड है और मुझे शिक्षा में 15 वर्ष का अनुभव हो चुका है। मेरे जिले की विशेषता है कि हमारे जिले में एक से एक नवाचारी शिक्षक हैं, जो नए नए नवाचारों के द्वारा, नए नए प्रयोगों के द्वारा शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं प्राथमिक विद्यालय चांदपुर भटौरा में शिक्षक हूँ। मेरे विद्यालय में 54 बच्चे अध्ययनरत हैं। ये एक छोटा सा गांव है और शहर से जुड़ा हुआ है और हमारे जो बच्चे हैं वो सभी ग्रामीण परिवेश के हैं और ये एक विनम्रता कहेंगे कि सभी का जो स्तर है, आर्थिक स्तर, वो बहुत ही न्यून है। गार्जियन समय नहीं दे पाते हैं। तो मेरे विद्यालय की समस्या थी कि हमारे यहाँ वो जागरूकता का अभाव था। बच्चे रुचि नहीं ले रहे थे, गार्जियन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे किसी चीज का। तो हम लोग बड़े परेशान थे। फिर हम सभी लोगों ने मिल करके प्रयास किया कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों में जागरूकता आए। तो इन्हीं प्रयासों के बीच मुझे अरविंदो सोसाइटी का जो के बारे में पता चला कि इसने एक चीज बताई कि शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार। शिक्षा के में हम अगर बिना कुछ लगाए, बिना कुछ निवेश किए भी नए नए नवाचारों के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और उसके में जब हम लोग जुड़े तो हमें बहुत ही लाभ मिला। और उसमें ये लाभ भी मिला कि हम नित नई गतिविधियों के द्वारा बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कर पाए। बच्चे रुचिपूर्ण से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे बच्चे कुछ भी सिखाओ बड़े अच्छे से सीखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये भी आई कि जो कोरोना काल चल रहा था, जो लॉकडाउन पीरियड था, तो उसमें ऑनलाइन हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कैसे उनमें गतिविधि करवा सकते हैं, उन गतिविधियों का भी बहुत बड़ा लाभ हमें श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण से प्राप्त हुआ। और हमारे प्रशिक्षक जो श्री रामकृष्ण मिश्र जी हैं, उनसे जब हमने अपने आइडिया साझा किए तो उन्होंने उस आइडिया को किस तरीके से, किस तरह हम उसको बेहतर ढंग से लागू कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने हमें अवगत कराया और उनका प्रयास अब जारी है और हम उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। और हमने देखा कि जो हमारी समस्या थी वो काफी हद तक दूर भी हो रही है और हम चाहते हैं कि हमारा विद्यालय एक रोल मॉडल विद्यालय बने, जिससे कि हम बच्चों में नए नए गतिविधियों के माध्यम से, नई नई तकनीक के माध्यम से हम उनमें नित नए ऊंचाइयों में ले जा सकें और अभिनव शिक्षण तकनीक जो हमारे यहाँ लगातार प्रभावी है उसके द्वारा भी हम बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हमारे विद्यालय परिवार का पूरा योगदान रहता है। आपसी सामंजस्य के द्वारा ही हम लोग सारे कामों को संपादित करते हैं और इसमें अरविंदो सोसाइटी, जेडआईआई नवाचार का जो हम है इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। एचडीएफसी बैंक और अरविंदो सोसाइटी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और उन्होंने हमें इस लक्ष्य को पहुंचाने में अपना योगदान दिया। धन्यवाद।